नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। निजी जिंदगी हो, सामाजिक जिंदगी या फिर राजनीतिक, कई ऐसे मौके आते हैं, कई ऐसे लम्हे आते हैं जब आदमी फैसला करता है, बाद के दिनों में उसके लिए पछताता है कि काश ऐसा न किया होता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ। पहले लंदन वाले बयान को लेकर के चर्चे में आए, संसद ठप रही, माफी की मांग उठी, कांग्रेस ने दहाड़ा, राहुल गांधी ने दहाड़ा कि माफी नहीं मांगेंगे, हमने देश की कोई बेइज्जती नहीं की है, सिर्फ सिस्टम पे सवाल उठाया है, सत्ताधारियों पे सवाल उठाया है और सवाल उठाते रहेंगे। ये सब कुछ चल ही रहा था कि सूरत की एक कोर्ट ने फैसला सुना दिया, राहुल गांधी को 2 साल की सजा दे दी। बस क्या था, हंगामा बरप गया। कांग्रेस अभी तैयारी कर रही थी आंदोलन करने की, राष्ट्रपति के पास मार्च करने की, इसी बीच में स्पीकर का फैसला आ गया और अब वो लोकसभा सदस्य नहीं रहे। इस मुद्दे पे बहस हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने आखिर वो कौन सा काम किया था जिसकी वजह से आज ये बात हो रही है कि काश राहुल गांधी ने वो ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा होता। दरअसल ये वाकया है 2013 का, अन्ना आंदोलन शुरू हो चुका था, यूपीए 2 जो थी वो भ्रष्टाचार में के दलदल में बुरी तरीके से फंसी हुई थी। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और मामलों में फैसला आया कि यदि किसी सांसद विधायक एमएलसी को आपराधिक मामले में 2 साल या 2 साल से अधिक सजा सुनाई जाती है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के साथ जो है के हिसाब से उसकी सदस्यता चली जाएगी। 8(4) में जो 3 महीने की मोहलत दी गई थी उसको उसने रद्द कर दिया। अब मनमोहन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उस समय लालू यादव की पार्टी कांग्रेस को समर्थन दे रही थी और लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले के मामले परवान चढ़ रहे थे, फैसला आने वाला था। उसी दौरान मनमोहन सिंह की सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर के आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाली बात थी कि जो ये कह रहा है कि फैसला आते ही सदस्यता चली जाएगी उसमें राहत देने वाली बात थी। चूंकि भ्रष्टाचार इशू बना हुआ था इसलिए अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये तारीख थी संभवतः 24 सितंबर 2013। राहुल गांधी अचानक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और उस अपनी ही सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया, कहा कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये बकवास है। तब राहुल गांधी के ऑर्डिनेंस फाड़ने वाला जो वीडियो और तस्वीर थी काफी चर्चित हुई थी। बाद के दिनों में मनमोहन सरकार ने उसे वापस ले लिया, खत्म हो जाने दिया। उसके बाद फैसले आए, राहुल गांधी ने जो कुछ भी किया था उसके बाद जो लालू प्रसाद यादव हैं उनको जेल जाना पड़ा, नहीं बच पाई सदस्यता। और खास बात यह है कि जैसे ही सजा होती है उस सजा को तो आपको भुगतना ही होता है, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने में प्रतिबंध हो जाता है, तो इस तरीके से आपके 8 साल निकल जाते हैं। और भी बहुत सारे नेता सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के शिकार कह सकते हैं शिकार हुए, लेकिन एक सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जो छोड़ा कि आखिरकार इस भ्रष्टाचार को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, ये माननीय कब तक भ्रष्टाचार करते रहेंगे या अपराध करते रहेंगे और हम चुपचाप तमाशबीन बने रहेंगे, कहीं ना कहीं तो फैसला लेना ही होगा, लिया जाए उसने फैसला ले लिया। लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बाद लोक प्रहरी का भी फैसला आया, थोड़ा वो उससे डिफर किया, थोड़ी उसमें राहत दी। क्या कहा, अब राहुल गांधी वाले केस की ही यदि बात करें तो सिर्फ उनके पास ये विकल्प है कि जब वो अपील में जाते हैं हायर कोर्ट में तो सिर्फ जो है वो सजा को निलंबित न करें या उस पर स्टे न लगाए, बल्कि जो कन्विक्शन है कि आप इस धारा के तहत दोषी करार दिए जाते हैं उस कन्विक्शन को वो निलंबित करे तब जाके सदस्यता बच पाएगी। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो जो भी कानूनी उपाय है वो करेगी, अब उसमें अदालत उनकी बात से सहमत होती है नहीं होती है देखने वाली बात होगी। साल भर की और ये सदस्यता थी इसकी कोई बात नहीं है, वो 2024 में चुनाव होगा, यदि ये फैसला कायम रहता है तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये बात अलग है कि वो बड़े नेता हैं, चाहे तो वो
दूसरों को चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन इनका तो जो राजनीतिक करियर है संसद में तो नहीं रह पाएंगे। तो राहुल गांधी अपने ही द्वारा फाड़े गए ऑर्डिनेंस को लेकर के पता नहीं पछता रहे हैं कि नहीं पछता रहे हैं। बहरहाल सोशल मीडिया से लेकर के मेन मीडिया में इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि यदि राहुल गांधी ने उस ऑर्डिनेंस को नहीं फाड़ा होता तो आज उनकी सदस्यता जाने की नौबत नहीं आती। रही बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।